सब तालियों के साथ में आप स्वागत करें। आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन्होंने शिक्षा को वो ऊंचाइयां दी है जो विगत कई सालों में लोग नहीं दे पाए। इनका कार्यकाल में शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, नई नई योजनाएं थी। साहब एसएन भारद्वाज साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत पंडाल में स्वागत है। जैसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी मैं अपने माँ का कर्ज कैसे उतार सकता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट के ऊपर बांध ले और जहां भी जाना उसे खोलना नहीं, एक दिन बाद मुझसे मिलना। वो व्यक्ति पत्थर बांध कर गया, दुकान में जाए, मकान में जाए, घर में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन पत्थर खोलना नहीं है, स्वामी विवेकानंद की आज्ञा जो है। दूसरे दिन आया, स्वामी जी आपसे तो मैंने क्वेश्चन ही किया था, लेकिन आपने कहा कि पत्थर बांधो, ये तो मुसीबत बांध दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तूने मुझसे प्रश्न ही ऐसा किया था, तूने किया था कि माँ का कर्ज मैं कैसे उतार सकता हूँ, तो 2.5 किलो का पत्थर एक दिन तक अपने पेट के ऊपर बांध कर नहीं घूम सकता, और जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा तो उसके कर्ज उतारने की बात करता है। किसी ने खूब कहा कि मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़कर मुझे मेरी माँ ने चलना सिखाया होगा।
फुलवारी है। इस मातृ पितृ पूजन के अवसर पर हमारे यहाँ कार्यक्रम में पधारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सम्माननीय भार्गव साहब, जो सिक्किम के हाई कोर्ट में न्यायाधिपति रहे हैं, और यहाँ के डायरेक्टर भाई विक्रम सिंह जी, और विधानसभा में मेरे साथी रहे भाई अशोक जी पीचा, श्रीमती रितु खंडेलवाल यहाँ के प्रिंसिपल, और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये जो आज कार्यक्रम स्कूल ने आयोजित किया है वास्तव में यह अद्वितीय है। इसके पहले एक बार मैं लूनी में गया था, वहाँ के विधायक ने भी इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की जो शायद मैंने पहली बार किसी स्कूल में देखा था, और आज यह दूसरा कार्यक्रम है जिसे उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला है। वास्तव में अपनी संस्कृति में यह एक अमूल्य संस्कार है जो कि बच्चों में बचपन से चाहिए। और संस्कारों के केवल दो ही केंद्र थे, एक केंद्र था घर और एक केंद्र था स्कूल, लेकिन धीरे धीरे दोनों कमजोर होते गए। और आज घरों में भी मैं देखता हूं कि हम सब केवल पैसा कमाने में अधिक ध्यान देते हैं, बच्चे की ओर जितना ध्यान और समय दिया जाना चाहिए वह हम नहीं दे पाते। और इसके कारण से दूसरा संस्कार का केंद्र था स्कूल। ठीक है कि किसी जमाने में अपने गुरु के घर जाकर के और गुरुकुल पद्धति थी, वह समय के अनुसार परिवर्तित हुई, लेकिन स्कूलों के अंदर भी वो संस्कार वाला वातावरण कई बार दिखाई नहीं देता। इसलिए आखिर बच्चे को संस्कार कहां मिले? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद माँ बाप कहते हैं कि कहना नहीं मानता, या उसके बाद हमको पूछता नहीं है। और इसके जिम्मेदार तो अपन ही हैं, बच्चा तो क्लीन स्लेट है, लेकिन दुर्योग से हम कुछ विदेशी संस्कृति पे अधिक ध्यान गए। मैं पिछले दिनों एक संगोष्ठी में गया, वहां पे बार बार ये कहा जा रहा था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों का शोषण होता है। मैं खड़ा होकर के उसका प्रतिवाद किया कि भारत ही है जिसने बच्चों को आज तक माँ बाप जब तक वो अपनी शादी नहीं करा देते, अपने पांव पे कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं कर लेता, तब तक अपना पेट काट के भी बच्चे की चिंता करते हैं। ये अपनी संस्कृति है, जब अपन नए भी खाएंगे पहले अपने बच्चे को खिलाएंगे, ये अपने कल्चर है। उन संस्कारों का जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं स्कूलों को भी आगे होकर के जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और साथ में बच्चों को भी कहूंगा कि आज एक दिन माँ बाप की तो अपन पूजन की, स्कूल में एक बात अपने को आगे बढ़ाई, लेकिन यहां से एक संकल्प लेकर के जाए हम जीवन भर, जैसे माँ बाप के कर्जे का एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने कहा माँ बाप का बच्चों कर्ज जिंदगी भर भी आप नहीं चुका सकते चाहे कई जन्म ले लें। ये एक भाव मन में होना चाहिए, और अपना जीवन है उसके बाद जीवन में आखिर ये परिवार जनरेशन होगी, विवाह होगा, सब कुछ होगा, बच्चे होंगे, जनरेशन पड़ेगी, लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया उसको जीवन भर नहीं भूलेंगे। आइए हम सब लोग इस भारतीय संस्कृति पर गर्व की अनुभूति करते हुए, मेरा भारत महान है, मेरी संस्कृति महान है, मेरे माँ बाप महान है, इसकी अनुभूति करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे कि आशीर्वाद दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। मैं आप सबको आज यहाँ इस दिन के लिए बधाई देना चाहूंगा, विशेष रूप से स्कूल के संस्थापकों को, उन्होंने ऐसा दिवस मनाया। और हम तो जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, दादा दादी सब लोग हमको संस्कार दिया करते थे, माना प्रताप की, मीरा की, सूरदास की, भद्रद्रु की, प्रहलाद की, सब कहानियाँ सुनाकर, अभी देवनानी साहब ने जिक्र किया था श्रवण कुमार की, इस तरह की बातें बताकर हमारे संस्कार को जागृत किया करते थे। तो वो संस्कार जो हमारे थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और इसके लिए दोषी मैं मानता हूँ पहले तो माता पिता को, कि वो जरूर, मैं फिर उनसे निवेदन करना चाहूँगा जो मौजूद है उनको,
और अदरवाइज कहना चाहूँगा तो माता पिता को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, संस्कार देने चाहिए, वो हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप माता पिता के पैर छूते हैं तो स्वतः ही उनके मन से आशीर्वाद निकलता है। तो ऐसा दिवस हमको हर रोज मनाना चाहिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। मुझे याद है कि मैं अभी जब तक मेरे माता पिता थे उनके चरण स्पर्श करता था, और मैं हाईकोर्ट जज बनने के बाद भी जब कभी गुरु मेरे किसी पब्लिक फंक्शन में या कहीं भी मिले तो हमेशा मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इसलिए आज का ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आवेदन करने वाला हूँ मैं, क्योंकि उनको जल्दी से जाना था इसलिए मैं नहीं कह सका। अब मैं उनको फोन करके उनको प्रार्थना करूंगा कि वो राजस्थान, पूरे राजस्थान में सब स्कूलों में 14 तारीख को, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन का दिवस घोषित करें और स्कूल में अवश्य करें कि हर स्कूल में, कई राज्यों में ऐसा हो चुका है और राज्यों में होने वाला है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में अगर ये हो जाएगा तो एक नए संस्कार पढ़ने की प्रथा चालू हो जाएगी, चली जाएगी और हम देश को और आगे बढ़ा सकेंगे और विश्व गुरु बनाने में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इस अवसर पर जो याद किया इसके लिए व्यवस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि सभी की आंखें आंसू से भीगी हुई हैं कि हम सब कहीं कहीं अपने माता पिता को आज याद कर रहे हैं। आई लव यू मॉम। मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम आज जितने भी स्कूल्स हैं हमारे राजस्थान में, जयपुर में, सभी में इस तरीके के प्रोग्राम रखने चाहिए ताकि बच्चों को एक अच्छे संस्कार मिल सके। जो हमको हमारे माँ बाप ने दिए संस्कार, वो संस्कार हमारे बच्चों को भी मिल सके। धन्यवाद।